फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आने वाला जो समय है आपके जीवन का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने बाकी रह गए हैं इस साल में। तो हम रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आने वाला जो आपका जो वक्त है, यानी कि जो आपका समय होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो कैसा होगा आपके लाइफ में, क्या कुछ आपके लाइफ में होगा। जो राशि है वो है मेष राशि। तो जिन लोगों की मेष राशि है वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं और वो जान सकते हैं कि उनके जीवन में आगे क्या कुछ उनके लाइफ में हो सकता है और क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे इन 3 महीने में, क्या कुछ बदलेगा आपके लाइफ में, क्या गुड न्यूज़ रहेगी, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो मेष राशि वालों के लिए है ये रीडिंग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आएंगे अक्टूबर में जो कि बस अब स्टार्ट ही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए जो अक्टूबर का महीना होगा वो कैसा होगा, सब कुछ देखेंगे इसमें हम। आपकी लव लाइफ भी देखेंगे, आपका करियर भी देखेंगे, आपकी हेल्थ भी देखेंगे और साथ में हम लेंगे आपके लिए साईं बाबा के कार्ड्स के जरिए कुछ संदेश जो आपको एक अच्छा दिशा दिखा सकें। वो कार्ड्स आपको भी बहुत पसंद है इसलिए उसमें हम देखेंगे कि क्या आता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका अक्टूबर का महीना है वो कैसा होगा। तो यहाँ आपको 3 महीने की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। आपके जीवन में जो भी जिसका भी है मेष राशि वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए देखते हैं जो अक्टूबर का महीना होगा वो कैसा होगा। हम देखेंगे सबसे पहले आपका लव लाइफ, ठीक है, लव लाइफ आपकी देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा अक्टूबर में। देखिए लव लाइफ में ऐसी चीज़ें कुछ हमें लग रही हैं जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, आप थोड़ा बहुत उदास हैं, उनको मिस कर रहे हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं या तो कहीं बाहर चले गए हैं, पैसे इतने अक्सर लोग नौकरी करने दूर जाते हैं तो आपके शहर से वो कहीं दूर चले गए हैं। कुछ है ऐसा कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं तो अक्टूबर में भी आप उनको बहुत मिस करने वाले हैं। हो सकता है उनको काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़े। कुछ लोग के साथ ऐसा है कि आप दोनों की शादी हो गई है लेकिन किसी वजह से आप दोनों अलग रह रहे हैं, आप दोनों में जो भी कुछ हुआ होगा लड़ाई झगड़ा उसकी वजह से भी आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में हो क्योंकि आपकी तरफ से एक इंसान जो बहुत मिस कर रहा है अपने पार्टनर को है, यानी कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हैं तो ये चीज़ दिख रही है, आप महसूस कर रहे हैं उनकी कमी को अपने जीवन में, आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में हर पल आपके साथ रहें। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बहुत मिस ही करेंगे, क्या कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो जो 10 तारीख के बाद का समय होगा आपकी जो पर्सनल लाइफ में वो काफ़ी चेंज आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग के जो पार्टनर अगर उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद आपसे बात करने आ रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। 10 तारीख के बाद का जो समय होगा आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद का जो समय होगा यानी कि 20 से लेकर जो 30 तारीख का समय होगा वहाँ दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने रिलेशनशिप से और आप खुश हैं, आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से अपने जीवन को आप जिएंगे और अपनी जो भी आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में आपने जो भी उम्मीदें अपने पार्टनर से की हैं या तो फिर अपने जीवन के लिए आपने जो भी सोचा है कि आपका फैमिली खुश रहे आपके साथ रहे, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत ही अच्छा समय आएगा। अक्टूबर का जो लास्ट का समय होगा 10 तारीख से लेके 30-31 तारीख का जो समय होगा वो मतलब जो लास्ट होगा ना महीने का वो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। तो ये आपकी लव लाइफ रही अक्टूबर की। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा जाने वाला है अक्टूबर में। तो जिन लोगों ने की भी मेष राशि है करियर में आपको काफी सारा कहते हैं कि एक संभावनाएं देखने को मुझे यहाँ मिल रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे अगर स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो 10 तारीख 20 तारीख की बात का जो समय है उसमें काफी कुछ आपको
ऐसा कुछ अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी परीक्षा का, किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपने कोई परीक्षा दी है या फिर देने वाले हैं तैयारी, हो सकता है बहुत सारे लोगों की एग्ज़ाम भी हो, ठीक है, जो अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको अपने कर्म पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो करियर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा समय आ रहा है, काम करने वाला समय आ रहा है, जिसमें आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो लग रहा है कि अक्टूबर में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और एकदम अच्छे डायरेक्शन में आप हर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि बहुत ही अच्छा समय, मतलब जीवन में कुछ शुरू होने वाला है आपके, मतलब कुछ आपको मिलने वाला, उसकी ओर आपका जो कदम है बहुत ही सही जा रहा है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं मेष राशि वाले, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको कुछ भी वहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मेहनत करते रहिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है करियर को लेके। अब हम देखेंगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपकी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है अक्टूबर में, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, जैसा कि स्टार्टिंग में दिखा था कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हैं। तो बहुत सारे लोग के साथ है कि आप दोनों का रिलेशनशिप या तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वो आप या तो बहुत दूर रह रहे हैं उनसे, ये भी दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस जो कहते हैं वो रिलेशनशिप में आप दोनों हैं, एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। तो किसी इंसान को जब हम बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, हमारा एक कहते हैं इमोशनली हम बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उससे वैसे हेल्थ प्रॉब्लम में आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस फील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अक्टूबर में आपको थोड़ा बहुत फेस करने को मिलेंगी, और वो भी आपके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में वो उसकी वजह से हैं। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बट थोड़ा बहुत आप इमोशनल रहेंगे, थोड़ा सा दुखी रहेंगे अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं अक्टूबर में आपके साथ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए साईं बाबा की कार्ड से हमें क्या संदेश मिलता है। तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी छोटी हो जाए, क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ हो रही है जिससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए बंद हो गई आवाज़, क्योंकि मेरे बगल के घर में कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को माफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं इसे बंद नहीं करवा सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड्स में क्या संदेश है अक्टूबर के लिए आपके लिए। आपके लिए है कि पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसे काफ़ी मैच कर रही है कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को मिस कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जल्दी से कोई आपका लाइफ पार्टनर आ जाए, तो आप मिस कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त है, ठीक है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके पास रहे, किसी वजह से वो इंसान आपसे दूर रह रहा है, आप बहुत मिस कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए है कि आप थोड़ा सा सब्र रखें और भरोसा रखें जीवन में, आशावादी बने रहें, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर किसी को कहते ना पीड़ा से गुजर कर ही इंसान अधिक उन्नत, यानी कि हर चीज़ जीवन में देखनी पड़ती है, सुख दुख सब कुछ देखना पड़ता है। अभी आपकी लाइफ में ऐसा समय है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आने वाला समय आपका अच्छा होगा। ये अक्टूबर का महीना है, अपने करियर में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि करियर की तरफ से काफ़ी अच्छा चीज़ें दिख रही थी कि अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए अक्टूबर का महीना था। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम तीन महीनों के बारे में बात कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर का महीना हमने देखा, अब हम आ जाते हैं अक्टूबर पे, नवंबर पे, ठीक है। नवंबर का जो प्यारा सा महीना होता है जिसमें मेरा बर्थडे भी पड़ता है, तो चलिए देख लेते हैं कि नवंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि, ठीक है। तो जिन लोगों की भी मेष राशि है वो लोग देखें, इस बात को ध्यान दें कि अभी हमने देखा अक्टूबर, अब हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो नवंबर होगा वो कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं आपका नवंबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, मेष राशि वालों की लव लाइफ। तो बैकग्राउंड की जो म्यूज़िक है उसको एंजॉय करिए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें।
और या तो अभी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा सही समय पे, इसलिए थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ध्यान मत दीजिए, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए बस। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि आपको क्या कुछ नवंबर में देखने को मिलेगा, देखिए जो नवंबर का इस समय होगा, जो स्टार्टिंग का समय होगा यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 1 तारीख को मेरा बर्थडे पड़ता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का तो सॉरी, चलिए आपकी रीडिंग पे आते हैं। तो नवंबर का 1 तारीख की जो डेट होगी 1 से लेकर 10 तारीख तक की, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, वहाँ से आपको चीज़ें सुनने को मिलेंगी, आप बहुत अच्छा खुश भी रहेंगे, ठीक है। और सब कुछ जितना भी आप परेशान थे अपने पार्टनर को लेके, वो सारी चीज़ें एक तरह से कहेंगे तो समाप्त हो जाएंगी आपके लाइफ में, फिर उस चीज़ का दोबारा से कोई भी कहते नहीं, दोबारा से वो चीज़ें लौट के आपके जीवन में नहीं आएंगी, यानी आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए उसके बाद का जो समय रहेगा 10 तारीख से लेकर 20 तारीख का जो समय रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा कहेंगे फिर से कुछ ऐसा आपको सुनने को मिले कि कोई आपका बहुत ही करीबी आपको कुछ बुरा बोल दे या हर्ट कर दे, यानी कि कोई ना कोई आपको हर्ट करेगा। यहाँ आपके लाइफ पार्टनर से बात नहीं है, यहाँ पे बात है किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप बहुत अपना उसे मानते, हो सकता है उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो या फिर ऐसा कुछ धोखा टाइप का आपको वहाँ से मिले। पर्सनल लाइफ में हमारे रिश्ते भी आ जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो रिश्ते होते हैं उन्हें भी हम पर्सनल लाइफ में रखते हैं, क्योंकि उसे हम करियर में नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए हम पर्सनल लाइफ में आपको बता रहे हैं कि उधर से आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो कि आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, वो है नवंबर में 10 तारीख से बाद का समय होगा 20 तक का, ठीक है। उसके बाद का जो समय होगा बहुत अच्छा आएगा, आप अपना घर परिवार एकदम से बैलेंस करके चल रहे हैं और सब कुछ सही है, जीवन में जो चाह रहे हैं उस चीज़ की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है नवंबर में, ये चीज़ तो साफ तौर पर दिख रही है कि पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है मेष राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है, मेष राशि जिनकी भी है नवंबर में, देखिए आपके जो करियर में आया है कुछ आपकी पर्सनल चीज़ें, यानी कि कुछ ना कुछ आप मतलब एक तरह से अगर हम कहें कि नवंबर में आप बहुत खुश रहने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, यानी काफ़ी सारा समय आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे, तो करियर पे थोड़ा सा आपका ध्यान हो सकता है इस वजह से कम रहे, अपने पार्टनर के साथ आप ज़्यादा समय देने वाले हैं नवंबर में, यानी कि अगर हम कहें कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कम कर देंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना जब हम अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं पार्टी करते हैं अपने पार्टनर के साथ बातें करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं, वही चीज़ दिख रही है कि नवंबर का जो समय होगा बहुत अच्छा, एक लाइफ में आप थोड़ा सा इंजॉय करना चाहेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम दिख रही हैं, बाकी एक बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है जो आप अपना बिताने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ अपने लव पार्टनर के साथ, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। करियर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, तो उम्मीदें बनी हुई हैं जीवन में कुछ अच्छा करने की, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आप ये कह दें कि नवंबर में ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत पॉजिटिव समय रहेगा करियर के हिसाब से भी, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं नवंबर का जो महीना, अब तक के कार्ड से तो यही पता चल रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर का महीना। अब हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य जो बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, अगर ये सही है तो सब कुछ सही रहता है, तो मेष राशि वालों के लिए देख रहे हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो बहुत ही विश्वास आपके अंदर आपको फील होगा महसूस होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि आप नवंबर में भी अब अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने लव पार्टनर के साथ वो समय को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा उस समय आपके अंदर है, तो जब ये ऊर्जा होती है इंसान के अंदर तो वो हर बड़ी से बड़ी अगर कोई समस्या भी है कोई बीमारी भी है तो उससे भी लड़ता है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है नवंबर में। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स के जरिए कि नवंबर के लिए आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या संदेश हैं। ये है संदेश आपके लिए नवंबर के महीने के हिसाब से, जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है, तो जीवन का उद्देश्य आप देखिए कितना बड़ा उद्देश्य है आपका, तो उसी तरह आपको अपने मन अपना जो विचार जो भी कुछ है आपको उतना ही बड़ा रखना है। तो ये था आपके लिए नवंबर का महीना, काफ़ी अच्छा आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है नवंबर के महीने में, आप बहुत ज़्यादा अंदर से अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप
कहते हैं ना, एक अंदर से आदमी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास हो जाता है जीवन में जब, तो काफ़ी अच्छा समय आता है उसकी लाइफ में। अगर आप अंदर से विश्वास नहीं फील करते हैं ना, तो बहुत ही कहते हैं ना परेशान रहता है। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर, जो कि इस साल का आखिरी महीना है। आइए देख लेते हैं साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा जाएगा। वैसे ये साल तो इस धरती के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये साल का आखिरी महीना सबके लिए अच्छा हो और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों सबके साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है कि लव लाइफ हर इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत डिसीजन लेके बैठे हुए हैं, किसी गलत इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या कोई गलत इंसान आपका लाइफ पार्टनर बन गया है, तो पूरा जीवन आपका मुझे नहीं लगता है कि खुशी से कटेगा। आइए देख लेते हैं कि लव लाइफ में क्या कुछ आपके होगा नवंबर में। तो लव लाइफ में आपका काफ़ी, जैसा कि अब तक के आपके कार्ड्स थे कि जिसमें आप अक्टूबर में काफ़ी परेशान हैं अपने पार्टनर को लेके, नवंबर में काफ़ी सकारात्मक चीज़ें दिख रही थी, लेकिन दिसंबर काफ़ी अच्छा होगा। यानी कि जो भी चीज़ें अब तक समस्याएं थी जिससे आप दुखी हैं, या फिर कुछ सोच रहे हैं ऐसा जिससे आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, या तो फिर वो आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो गए हैं। वहाँ तक आपके अंदर इतना विश्वास आ चुका है कि लाइफ को आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेके जो चाह रहे हैं वो आपसे वो चीज़ें हो भी रही हैं। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है दिसंबर आपके लिए, लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम देखेंगे आपका करियर कैसा रहने वाला है दिसंबर में, ठीक है। तो मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही खराब आवाज़ आ रही है, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही होगी। तो बस आपकी रीडिंग हो जाए, उसके बाद हम आइए देख लेते हैं आपका करियर। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, उनको बिल्कुल मौका मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग के एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, इतना तो क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पे प्रतियोगिता आपके साथ हो रही है। या बहुत सारे लोग होंगे जो पेपर देने का सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। मुझे लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग के एग्ज़ाम होंगे जिसमें उन्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी बहुत सारा आप थकावट फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आप थोड़ा सा थका थका सा फील करेंगे दिसंबर में, क्योंकि आप जो पढ़ाई करेंगे ना, वो बहुत, जैसा अब तक ही हो रहा है ना कि पढ़ाई कोई कर नहीं रहा है, और जब एग्ज़ाम पढ़ेंगे तो वही 10 दिन का जो समय इंसान का होता है, उसी में वो कहते हैं ना पूरे साल की पढ़ाई करेगा, वही चीज़ होगी आपके साथ भी। क्योंकि अभी तक आपने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और उसके बाद सफलता भी दिख रही है। तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड से उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, और काफ़ी टाइम से पढ़ाई बंद करके रखे थे, लेकिन उन्हें दिसंबर में काफ़ी जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनके एग्ज़ाम भी होंगे, परीक्षाएँ भी होंगी, सफलता भी मिलेगी। और आइए अब देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य काफ़ी मायने रखता है हर किसी के लाइफ में। तो दिसंबर का जो महीना है करियर के हिसाब से काफ़ी खास रहने वाला है, यानी बहुत कुछ यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग में उसमें आप जीत भी रहे हैं। तो हेल्थ काफ़ी अच्छी है आपकी, यहाँ दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा आप अंदर से एक विश्वास, कहते हैं ना इंसान के अंदर जब भर जाता है तो ऊर्जा एक है, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। यानी कि कोई भी दिक्कत आपको दिसंबर में नहीं होने वाली है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके हेल्थ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स आपके अक्टूबर में भी आए थे। अब हम देख रहे हैं दिसंबर के लिए आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा के कार्ड्स के जरिए। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना एवं ईश्वर की कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। देखिए, जीवन में जो भी कुछ आपको मिला है, आपने जो भी कुछ चाहा है, या जो भी कुछ आपने किया उसके बाद जो आपको मिला है, उसे ज़रूर स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये आपके द्वारा की हुई वो चीज़ है जो आपने को मिली। कहते हैं ना कि हम लाइफ में जो चीज़ें करते हैं वही चीज़ें हमारे सामने भविष्य की तरह सामने आती हैं। यानी कि हम जो कर रहे हैं आज, आप जो कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो देखने को मिलेगा। अगर आप अपना टाइम किसी काम में लगा रहे हैं, अपनी मेहनत किसी में लगा रहे हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी चीज़ें हैं जीवन में, पहले उसको स्वीकार कीजिए कि वो हाँ आपकी वजह से हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही योगदान है। अब वो चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं,
ये तो हर किसी के लाइफ में अलग अलग होती हैं। तो ये था आपका दिसंबर का महीना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेष राशि वालों के लिए केवल रीडिंग थी, जिसमें हमने देखा उनका अक्टूबर कैसा रहने वाला है, उनका नवंबर कैसा रहने वाला है और दिसंबर कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।